हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ चौरानवे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सर्टलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ चौरानवे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू को -को कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन ने एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि 90s के दशक ये फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सा सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी माँ से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फ़िल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कु, कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस सौ चौरानवे में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फ़िल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे है सुरे राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज़ के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ चौरानवे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन ने एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कु, कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस सौ चौरानवे में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू को -को कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फ़िल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस सौ चौरानवे में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फ़िल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस सौ चौरानवे में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फ़िल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फ़िल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कु, कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय, राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.8 आउट ऑफ 10 की आई रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सा सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन ने एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू कु, कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहाँ ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज़ के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम वी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ चौरानवे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू को -को कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग मिली है और सिक्सटी सिक्स परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू को -को कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पांच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि 90s के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो यह फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सा सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस सौ चौरानवे की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू को -को कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के एक गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फिल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज़ किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहिद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबेराय राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण तो भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फ़िल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फ़िल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन उन्नीस में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म सुहाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और फिल्म सुहाग से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों सुहाग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कुल्लू कोहली ने किया है जिसमें अजय देवगन अक्षय कुमार करिश्मा कपूर नगमा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी सुहाग उन्नीस की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता अजय देवगन और अक्षय कुमार ने स्क्रीन स्पेस साझा किया था एक दशक के बाद यह जोड़ी खाकी जो कि 2004 और फिर अगले साल इंसान जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी उस फिल्म में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ बात कर लेते इस फिल्म से कुछ जुड़े हुए कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक कुकू -कु कोहली हैं और इस फिल्म के लेखक हैं हनी ईरानी तनवीर खान और इस फिल्म को उत्पादित किया है बलराज इराही ने इस फिल्म का छायांकन किया है समीर आर्य ने और इस फिल्म के गीत दिए हैं आनंद मिलिंद ने बात कर लेते हैं इस फिल्म के टोटल बजट की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल तीन करोड़ की बजट आई थी उन्नीस सौ चौरानवे में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तेरह से चौदह करोड़ के बीच की कमाई करके ये साबित किया कि ये फ़िल्म काफ़ी शानदार थी इस फिल्म को चार नवंबर उन्नीस में रिलीज किया गया था श्वेता इंटरनेशनल के द्वारा स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर मुख्य अभिनय करते हुए अजय देवगन और अक्षय कुमार दिखाई देंगे जिसमें अजय देवगन अजय मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और राज सिन्हा के रूप में अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं पूजा के रूप में करिश्मा कपूर अभिनेत्री का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगी साथ ही साथ नगमा मधु के रूप में दिखाई देंगी आशा मल्होत्रा के रूप में अरुणा ईरानी दलीप ताहेद डॉक्टर सिन्हा का रोल प्ले कर रहे हैं सुरेश ओबे राय राय बहादुर के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं स्टोरी प्लॉट की अगर हम बात करें तो कहानी अजय शर्मा और राज सिन्हा की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त हैं पूजा और मधु उनकी गर्लफ्रेंड है राज एक अमीर परिवार से है वह अपने चाचा के साथ रहता है क्योंकि उसके पिता दूसरे शहर में रहते हैं अजय शर्मा अपनी विधवा माँ आशा के साथ बॉम्बे में रहते हैं राज अजय की माँ को अपनी माँ के रूप में मानता है और वे एक भाई जैसा रिश्ता साझा करते हैं कॉलेज से स्नातक होने के बाद राज के मामा ने अजय से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आने के लिए कहा ताकि वह अपना पासपोर्ट बना सके और कनाडा में उसके लिए काम ढूंढ सके अजय अपना जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम अजय मल्होत्रा है और उसके पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं जो एक मरीज के अंग को चुराने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अजय अपनी मां से पूछताछ करता है और पाता है कि उसके पिता को अस्पताल के मालिक ने फंसाया था राय बहादुर जो कि उस अस्पताल के मालिक थे सच्चाई का पता चलने पर राज और अजय राय बहादुर से लड़ने और उसके पिता को रिहा करने के लिए जाते हैं उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की समय सीमा के से ठीक पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं वे एक भद्र पैदा करते हैं कि डॉक्टर सिन्हा अभी जीवित हैं और इसके द्वारा उन्होंने राय बहादुर पर उंगली उठाकर एक लाश बना दी गुस्से में राय ने अदालत में उस पर गोली चलाने की कोशिश की फिर अजय और राज ने उसे उस बिल्डिंग से फेंक दिया जिसमें उसकी मौत हो गई उनकी पाँच के जांच के दौरान यह पता चलता है कि राज के पिता जिनका नाम डॉक्टर संजय सिन्हा है राय बहादुर के अस्पताल के एक प्रमुख सदस्य भी हैं और अजय के पिता को फंसाने में शामिल थे राज के पिता के कोर्ट जाने से पहले राय बहादुर ने जवाबी हमला किया फिर राज और अजय मामले की सीमा साठी से पहले डॉक्टर संजय सिन्हा की लाश को कटघरे में लाते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी यह देखना है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड तक क्या होती है और राज सिन्हा के पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है तो यह फिल्म आपको पूरी देखनी चाहिए इन दोनों की दोस्ती क्या दुश्मनी में बदल जाती है या फिर यह दोस्त रह के अपने पिता को बचा लेता है तो यह पूरी स्टोरी लाइन देखने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा जिसका नाम है सुहाग तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Z5 पर रिलीज़ कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर इस फिल्म को देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगर आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट एट आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 66 परसेंट गूगल ने गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक करके ये बता दिया है कि यह फिल्म एवरेज है और आप एक बार इसे ज़रूर देख सकते हैं हालांकि नाइन्टीज़ के दशक की फिल्म काफ़ी शानदार होती थी और इस फिल्म ने उस वक्त बहुत अच्छी खासी कमाई की थी तो ये फ़िल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप भी बॉलीवुड के नाइन्टीज़ फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए ही है